परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग अभी तक देखते थे मेरे क्लास की बातें, आज मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे घर पे पूजा है और एक मंदिर का निर्माण था, उसका उद्घाटन था और मुझे गांव आने का अवसर मिला। वैसे गांव में तो अक्सर आता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे हम लोग के खेत हैं, जहाँ हम लोग देखिए धान के खेत लगे हुए हैं, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग को हम बताएंगे। ये देखिए धान की फसल लगी हुई है और इसमें देखिए जो चावल बनता है, जैसे कितना अच्छा लग रहा है। ये सब देखने से बहुत अच्छा महसूस होता है। और देखिए हमारे खेत हैं, उसमें गन्ने के खेत हैं और ये सब देखिए धान लगे हुए हैं। बचपन में हम लोग इसमें खेला करते थे। और देखिए थोड़ी सी दूर पर देखिए, यहाँ पर सड़क दिख रही है, ये सब धान के खेत लगे हुए हैं। पास के वहाँ एक तालाब है और काफ़ी बड़ा तालाब है, उसके किनारे फिर देखिए धान के जो है खेत है, इसमें बहुत सारे धान लगे हुए हैं। तालाब के उस पार एक थोड़ा सा छोटा सा गांव है। इधर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए हम लोग की गाड़ियाँ हैं जिससे हम लोग चलते हैं कभी कभी, और यहाँ पे भंडारे हो रहे हैं आगे चल के। बांस के पेड़ हैं, इससे गेट बनाया गया है, घर की एंट्री जो हम लोग की होती है। और देखिए यहाँ भी बांस लगे हुए हैं और कितना अच्छा लगता है। और हम लोग गांव में आते हैं और मुझे हम भी ऐसा सोचते हैं कि आप लोग भी गांव में जाते हैं, बहुत अच्छा और बड़ा एंजॉय महसूस करते हैं। और जब मैं गांव आता हूं, चाहे एक दिन के लिए ही, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने खेत खलिहान और बगीचे और घर के सदस्य के लोग सब बहुत यादें आती हैं। क्योंकि हमने, आपको मालूम है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि मैंने लगभग 22 साल हो गए प्रयागराज में रहते हुए, शिक्षण कार्य करते हुए और अपने अध्ययन करते हुए। लेकिन अब जो है सफल होने के बाद गांव का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। देखिए साहब, ढेर सारे मैंने आप लोगों को खेत दिखाए, पास का कैसा प्रकृति गोद में हम लोग रहते हैं गांव के लोग, वो कितना अच्छा लगता है। और आप जो लोग देख रहे हैं, आप लोग के भी साथ ऐसा होता होगा। देखिए ये सब कैसे गेट बांस के लगे हुए हैं और यहाँ पर गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। और आज चूँकि घर पर एक प्रोग्राम है और एक माता जी की मंदिर है, उस पर एक भंडारा है, उसमें हम लोग शामिल होने आए हैं और हमारे निरंतर परिवार के भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो अभी शाम का फंक्शन होगा, उसको भी दिखाया जाएगा। तो आप लोग देखिए, मैं अब ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ हम लोग हमें सभी भाई लोग मिल करके जो हम लोग की गाड़ियाँ हैं उसको आप देखेंगे, हम लोग पर्सनल चलते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। और हमारा बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए एक ट्रैक्टर है, इससे खेती होता है और ये सब बहुत अच्छा लगता है देख करके। आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे। देखिए सभी हमें सभी भाइयों की गाड़ियां हैं, हम लोग जो है अपने अपने कार में व्यस्त रहते हैं। और देखिए ट्रैक्टर है और फिर ये सभी गाड़ियां हैं, ये बड़े होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कि आप लोग गए होंगे। और देखिए यहाँ फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, अभी इसमें पौधे में फूल नहीं आया है और मुझे लगता है अभी कुछ हाल ही में समय में सब फूल लगेगा। मैं कभी परिचय नहीं बताता था अपने गाँव का, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं फेसबुक देखता हूँ या चैनल पे, तो खेत खलिहान और फसल जो लगी होती है हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो मैंने कहा अपने बारे में भी कुछ बताया जाए। देखिए इससे पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, हम लोग के घर के गांव की एंट्री होती है तो हम लोग बीच में, देखिए इससे पेड़ लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए सब फूल लगे हुए हैं। ये खेत है, यहाँ पर कभी कभी हमारे बड़े भैया लोग सब यहाँ पर खेती करते हैं। इसमें कभी सब्जी लगाया जाता है, कभी लहसुन प्याज आलू इस तरह के जो हम लोग खाने की चीज़ें हैं, कभी भिंडी। और यहाँ देखिए आम का पेड़ है, इसमें फल लगता है, यहाँ पे कई फल लगे हैं। आंवला आगे देखिए आपको दिख रहा होगा, आम का पेड़ दिख रहा है। हम लोग के गांव में हर पौधे लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ भी हैं। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे लग रहे हैं ये पेड़। देखिए गिर गए हैं थोड़ा सा, हम जब कभी आते हैं प्रयागराज से तो देखिए हम लोग वहाँ से प्रतापगढ़ एक बार आ रहे थे, रास्ते में ये पेड़ मिला था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और दिखाएं आप लोग को, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है, यहाँ पे आने पे अलग महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। और देखिए एक देखिए यहाँ पे एक नलकूप लगा हुआ है, यहाँ के बाहर के लोग जो भी आते हैं यहाँ पे पानी पीते हैं। और ये यहाँ पे एक केला का पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग, बड़े ही प्रजाति का केला है, इसमें बहुत बड़े फल लगते हैं
लेकिन अभी बहुत छोटा है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे बगल में एक प्रतापगढ़ी आंवला लगा हुआ है, जो प्रतापगढ़ का है, ये भी बहुत अच्छा है। और आज मैं पूरी अवकाश पे हूँ, आज छुट्टी पे और संस्था बंद है, और आज मैं ऐसे ही माहौल में अभी आप लोग को दिखाते हैं जहाँ आप लोग के भोजन बन रहे हैं या जहाँ पे आज जागरण का प्रोग्राम है और माता जी की जो है मूर्ति है, पूजा होगा वहाँ पे, और यहाँ पे रात भर जागरण का प्रोग्राम होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे, जिससे हम दूध और दही हम लोग खाते हैं। देखिए एक भैंस का देखिए आप लोग गांव में कैसे कितना अच्छे से जो कि भैंस खा रही है, और उसका एक बच्चा है, और ये भैंस के जो चारे हैं देखिए कितने, गांव में आप लोग शहर के लोग होंगे काफ़ी लोग देखने देखते हैं, देखिए चारा कैसे बना हुआ है, इसमें ऊपर से मोटर लगा हुआ है, और इसमें एक देखिए कैसे, अगर इसमें लाइट नहीं है तब भी गांव के लोग हमारे जो परिवार के सदस्य लोग हैं, कुछ सहयोगी लोग हैं, इसको चलाते हाथ से चला लेते हैं इसको, देखिए अगर मोटर लाइट नहीं है तो इसको हाथ से चलाते हैं, इससे इन लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और कितना अच्छा है देखिए गांव में, देखे होंगे ना एक ये पुराने जैसे मशीनें जैसे चलती है ना, इसको देखिए कैसे काटते हैं इसको, इससे चारे को काटा जाता है, इस चारे को भैंस को चारा दिया जाता है, और ये एक छोटा सा घर है, इसमें सिर्फ जानवर ही रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो जानवर होते हैं उनके गोबर जो होते हैं उससे देखिए यहाँ पे गोबर गैस बना हुआ है, और इससे भी जो है गैस निकलती है, और आप लोग दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कभी अरुई खाए होंगे, लोग कुछ लोग घुइया कहते हैं इलाहाबाद में प्रयागराज में, ये जो है अरुई है, यहाँ गांव में अरुई कहते हैं, ये घुइया है, इसके पत्ते से लोग पकौड़ी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए आपने हल्दी देखा होगा कभी, ये कच्ची हल्दी है शुद्ध गांव की, इसको लोग खाने में सब्जी बनाने में या दाल बनाने में प्रयोग करते हैं, और कभी चोट लग जाए तो हम लोग इस हल्दी का पीस करके सेवन करें, अगर हम लोग उस घाव पे लगाएं तो उससे काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और देखिए कभी गुड़ खाते हैं गांव का, और स्वयं घर पे बनता है, देखिए एक मशीन है जो गुड़ बनाती है, आप लोग गांव में भेली नाम सुने होंगे ना, तो गुड़ होता है, इससे जो है ये मशीन है, क्रेशर बोलते हैं इसको यहाँ पे, इससे यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, इसमें गन्ना रखा जाता है, उसके रस को निकाला जाता है, फिर इससे गुड़ बनता है। और देखिए जो गुड़ बनाया जाता है उसमें एक चूल्हा होता है, आप लोगों को दिखाएं, अभी तो समय नहीं है उसका, ये देखिए यहाँ पे एक चूल्हा बना है, इससे गुड़ बनता है, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा देख करके। और देखते हैं इधर भी, देखिए इसमें जो गुड़ बनता है तो उसके नीचे जो है इसी गन्ने का एक जो जब रस निकल जाते हैं गांव में, तो पता नहीं क्या खुइया कहते हैं आप लोग सुने होंगे, इसी को लगा करके जो है आँच देते हैं तो फिर गुड़ बनता है। ये देखिए यहाँ भी आम के पेड़ लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और दिखाएं मैं आप लोग को, यहाँ भी इस जहाँ पे जानवर लगे हैं, इस जानवर के पीछे भी ढेर सारा धान के खेत लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी बैठते हैं यहाँ पे गर्मी में, देखिए कितनी अच्छी फसल लगी हुई है, यहाँ भी देखिए आप लोग देख सकते हैं धान के खेत लगे हैं, देखिए अभी कटे नहीं हैं, देखिए इसी में से चावल निकलता है, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए फिर तालाब दिख रहा है आप लोगों को, देखिए बहुत सारे जानवर, देखिए बकरियाँ कुछ जा रही हैं वहाँ पे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे फिर एक कुछ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे जो घुइया मैंने बोला ना घुइया, और वहाँ पे कुछ देखिए एक नींबू का पेड़ है दिख रहा है, ये इसमें कागजी नींबू बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं इसमें, इस समय फल नहीं लगे ना, ये मैं आपको दिखाता, और दिखाते हैं आप लोग को, ये आप लोग इस एक पौधा है, ये छायादार होता है, अशोक कहते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है, इसमें एक पौधा लगा है ये लौकी, आप सुनोगे गांव में तो लौकी जो है, इससे गांव में बड़ी बड़ी लौकियाँ होती हैं, बहुत इसमें फल लगते हैं, इसकी सब्जी खाए जाते हैं, कुछ लोग इसके पत्ते को भी साग बनाते हैं गांव में। और अभी देखिए फल लग रहे हैं यहाँ पे, अभी फूल लगे हुए हैं, अभी ज़्यादा फल दिख नहीं रहा है इस तरह का कोई, और बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कभी कभी आते हैं तो इसी के फल को ले जाते हैं और इलाहाबाद में इसको बनाते हैं।
अभी फूल लगे हुए हैं इसमें, कोई पौधा ऐसा देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें फूल लगा हुआ है, इसी में फल लगेगा जो लौकी गांव के हैं सब। और इसको गोबर की खाद का बनाया गया है, इसमें कोई भी इस तरह के खाद शहरी खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, देसी खाद से बने हैं। और एक गाँव में ये बहुत ही जो लोग इसकी सब्जियाँ बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए वर्धक भी हैं। और मैं आज आप लोग को ये बताना चाहूँगा, हम कभी कभी प्रयागराज में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, कहते हैं सर अभी फीस नहीं है और अभी हमारे घर पे धान की खेत लगा है, उसमें फिर जब चावल बेचा जाएगा तो हमें पैसे मिलेंगे। तो देखिए यही वो चावल है जिसको लोग, हम लोग भी ऐसा किए हैं, हमारे भी माता पिता लोग देखिए इसकी खेती करते हैं और इसको सींचते कितना है और इसके भी चावल निकलते हैं, कितने लोग इस चावल को बेचते हैं फिर पैसे होते हैं, उस पैसे का लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कितना मेहनत करते हैं वो लोग। इसके बाद फिर इसको काटते हैं, काट करके सुखाते हैं, तो फिर इसको देखिए यहाँ नीचे आप पुआल देख रहे होंगे, ये देखिए इसको काटा गया है और इसको पीटते हैं, फिर पीट करके फिर इसमें धान निकालते हैं, फिर इसको फिर मशीन बुला करके इसमें चावल निकाले जाते हैं और इसी को आप लोग प्रयागराज ले जाते हैं या कहीं भी पढ़ने, इसी को हम लोग खाते हैं, चावल बनाते हैं। कुछ लोग गांव में क्या सुने हैं, फारा सुने हैं क्या आप लोग, दाल आटे का बनता है चावल के आटे का, उसको खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। और कितने लोग प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग खा कर ही दाल चावल चोखा पढ़ाई नहीं करते, उनकी मेहनत देखिए, उनके परिवार के लोगों को, हम लोग भी यहाँ मेहनत किए हैं बचपन में, कभी कभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, वो घर बन रहा है, वो मंदिर है, हम लोग यहाँ बचपना में जब हम लोग हाई स्कूल इंटर करते थे इस खेतों में काम किए, फिर इसी धान गेहूँ देखिए यही फसल यहाँ से लेके जाते थे हम लोग और गट्ठर में बांध करके और प्रयागराज में फिर इसी को हम लोग खाते थे और फिर आते थे कभी कभी समय निकाल करके, अब तो हम लोग इसको खेती भी करते थे, कभी कभी छुट्टियां में आते थे तो उसको माता पिता लोग जो है सींच रहे हैं तो हम लोग भी सींचने लगते थे, उसमें सहयोग करते थे। बचपन में बहुत संघर्ष भी किया गया है और खेती से आज भी लगाव है और आज भी मैं सप्ताह में ज़रूर एक बार आने का प्रयास करता हूँ, ऐसी मिट्टी को मैं नमन करता हूँ जिससे हम लोग की आज पहचान बनी और आप लोग इस गांव की हरियाली को देख रहे हैं। और आज भी हम लोग संस्था पढ़ा रहे हैं, इतने कौन सा तहसील में कौन से प्रतियोगी हमारे पढ़ाए सेलेक्ट नहीं हुए हैं, हिंदी से प्रोक्ता टीजीटी जेआरएफ कहाँ नहीं गए हैं, प्रोफेसर भी बने हैं, लेकिन आज उस मिट्टी से इतना लगाव है कि हम जब भी मौका पाते हैं तो अपने इस फुलवारी को देखना। देखिए ये बहुत सारा पेड़ है, सागौन का नाम सुने होंगे, देखिए आज मैं गांव का 22 साल में पहली बार मैं भ्रमण कर रहा हूं और हमको टाइम नहीं मिलता था, आज मैं पहली बार चैनल पे आया हूं आप लोगों के बीच में और देखिए मैं अपने उस यथार्थ जीवन के बारे में परिचय करा रहा हूं। देखिए ये सब पेड़ बहुत छोटे छोटे थे, लगे ही नहीं थे जब हम लोग पढ़ते थे, देखिए कितने बड़े हो गए और धान के खेत फिर दिख रहा है यहाँ, मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। और बड़ा सुकून है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है हम लोग की, बहुत छोटा सा गांव है, दो तीन चार पांच घर का और इसी में हम लोग रहते हैं। और देखिए मैं बचपन में यहाँ पे, मुझे आज भी याद है जब हम कक्षा 10 या 11 में पढ़ते थे तो ये नाली आज भी वही नाली है, इसमें पानी मैं खुद लगाता था, कितना अच्छा लग रहा है हमको देख करके, ये वही सेम नाली आज है, आज मैं 15-16 साल हो गए, इसी नाली से मैं एक बार इलाहाबाद से आए थे तो इसमें पानी मैंने लगाया था और इसमें पानी बह रहा था, इसको मैंने अपने फावड़े से हम इसको भरे थे क्योंकि वहाँ पे आगे खेत है, वहाँ भी गेहूं लगा था उस समय, इसमें आज गन्ने का लगा है और आगे केले भी लगे हैं, मैं आप लोग को सब दिखाऊँगा आज, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरे यथार्थ जीवन में आ गया हूँ इसमें और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोग को उस गन्ने के खेत को दिखाऊंगा जिससे लोग गुड़ बनाते हैं, रस पीते हैं, इलाहाबाद में बहुत सारे लोग, गन्ने का रस इतना महंगा है, उतना तो मौसमी का रस नहीं महंगा होगा और लेकिन पौष्टिक सबसे ज़्यादा मौसमी होता है गन्ने का रस, किस किस उपयोग में लगता है हम आपको बताएंगे। अब चलते हैं अपने खेत की तरफ, आप लोग को मैं वो दिखा रहा हूँ घर, देखिए हम लोग का घर ऊपर बन रहा है अभी दूसरे फ्लोर पर, वहाँ पर जब खड़े होंगे पूरे कई गांव दिखते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे है वो, देखिए मंदिर आपको दिख रही है, इस मंदिर के आज पूजा होना था, उसमें माता जी की मूर्ति लगी है और उसमें काली जी की भी है, उसका आज प्रोग्राम है तो
वहाँ देखिए मंदिर कितना सजा हुआ है, इसी मंदिर में हम शामिल होने आए हैं और कितना अच्छा लग रहा है हमको। और आगे दिखाते हैं आपको गन्ने के खेत को, कितना हमको आज कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इसी को हम लोग कैसे ले जाते थे गांव से, और इसको हम लोग इसके चावल को बनाते थे, इसी में दाल मिला करके खाया जाता था। आज भी ले जाते हैं, आज भी हम लोग गांव के ही सामान का प्रयोग करते हैं ज़्यादा। ये देखिए आपको इधर देख रहे हैं गन्ने का पूरा खेत लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। आज मैं पूरा अपने खेत खनियार को टहल रहा, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा गन्ने का एक पेड़ है, आपको दिखाऊंगा। आप बहुत सारे लोग दूर दराज के होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक खेत है, यहाँ पे इसमें गन्ने, इसको ये देखिए टूट गया, अब इसको टूट गया, अब देखिए इसको ये निकल गया, देखिए कितना बड़ा गन्ना है। अब इसको हम लोग इसका रस का भी सेवन कर सकते हैं हम लोग। अगर हम इसको तोड़ दें, देखते हैं ये इस तरह, ये देखिए टूट गया, अब कितना अच्छा लगेगा इसको, अगर हम कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत मीठा है। आज कई सालों बाद देखिए मैं आज गन्ने का आनंद ले रहा हूँ। खेतों में हम लोग आते थे, देखिए इसमें रस निकल रहा, देखिए इसको चूसने से इसमें रस निकलता है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें ठंडे ठंडे और मीठे मीठे रस निकल रहा है, और इसी को हम लोग पीते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए एक पेड़ है, हम लोग जब छोटे थे तब भी ये पेड़ था, आज भी है, इसको मुझे लगता है गुड़हल तो नहीं कहते हैं, कंडेल, लोग कंडेल कंडेल नाम लेते हैं गांव में, कंडेल का पेड़ ऐसे बोलते हैं। ये भी मेरा खेत है गांव का, मेरे बड़े भैया लोग सब आज भी खेती करते हैं, हम लोग संयुक्त फैमिली है, चार भाई हम लोग, आज भी हम लोग इस खेत में आते हैं, सींचते हैं। और देखिए यहाँ पे केला लगा हुआ है, इस खेत में मैं काम किया हूँ, मैं यहाँ पे इसमें खेती किया हूँ। हम जब आते थे इला प्रयागराज से, तो हम जब हम इतने व्यस्त नहीं रहते थे, यहाँ पे मैं काम किया हूँ खेत में। और देखिए यहाँ पे केला लगा हुआ है, कितने अच्छे हैं, इसमें फल अभी नहीं लगा है, फल अभी नहीं आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आप सभी लोग से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग अपने जीवन में गांव को मत भूलना, अपने परिवार को मत भूलना, अपने उस मिट्टी को मत भूलना जिस मिट्टी ने हम लोग को इतना बड़ा उन्नत पहुँचाया है। देखिए केला है, इसमें फल लगते हैं, और मैं दिखा रहा हूँ गन्ने खेत, फिर हम लोग के बहुत सारे खेत हैं जिसमें गन्ने की फसल होती है। बस्ती ज़िले में खास विशेषता है, यहाँ पे गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। मैं फिर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टीजीटी पीजीटी और किसी भी तैयारी करने वाले प्रतियोगी, चाहे बालक वर्ग के हों या बालिका वर्ग के, देखिए जितना ही जीवन जितना आप लोग सरल करेंगे उतना ही हम लोग अच्छा महसूस कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे प्रतियोगी हैं या इंसान हैं जो अपने जीवन के बारे का आनंद नहीं ले पाते हैं। देखिए यही जीवन है, इसी को असली जीवन कहते हैं, गाँव के खेत खलिहान। हम लोग शहर में भी रहें और गांव में भी रहें, देखिए कितने अच्छे अच्छे खेत लगते हैं यहाँ पे,
और हम लोग यहीं से निकले हैं, इस गांव से जा जा के शहर में पढ़ाई की मेहनत से 10x10 कमरे में, और कितना यथार्थ जीवन में हम लोग महीने में आया करते थे, घर की परेशानियों को सुनते थे। मुझे लगता था कि हम लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये माँ बाप भाई जितने लोग हैं या भाभी लोग हैं या कोई भी परिवार के सदस्य लोग, ये आज कितना हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम लोग जो चीज़ नहीं कर पाए आप लोग बाहर जा कर करिए, उसको मेहनत से करिए। और हम लोग को घी, दूध, मट्ठा, पानी, गुड़, दही सब लोग भेजते थे। और हम लोग कितने लोग हैं कि इसको खाते हैं, भूल जाते हैं उसको, और उसका पढ़ते नहीं मेहनत से। लेकिन हमको, मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया, मैंने बहुत मेहनत किया, आप लोग के बीच में आज मेहनत भी कर रहे हैं। और हम चाहें हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, गांव में टहल सकते हैं हमेशा, लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि हमने जो सीखा है, जो सीखा हमने, अगर हम इसको सदुपयोग करेंगे तो आज हम अपने जीवन में, हमारे बहुत सारे प्रतियोगियों के घरों में नौकरियां जाएंगी, हमने जो अनुभव सीखा वो अनुभव मिलेगा। आज यहाँ के लोग खेती करने वाले प्रतियोगी जाते हैं शहर में, पढ़ते हैं मेहनत से, तो उनको नौकरी मिलती है, फिर वो आके फिर गांव में, अगर हम अपने इस अनुभव को छोड़ देंगे तो कैसे उनका जीवन सफल होगा, इसलिए मेहनत करते हैं। देखिए धान की खेती, प्लाव लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे, अब इसमें से चावल निकाला जाएगा, ये फिर आप लोग इसी को इलाहाबाद ले जाते हैं और खाते हैं।